था वो साइमन कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भी आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में रिफॉर्म्स किए गए हैं उनको एक बार क्या करना, रिव्यू करना, ठीक है। अच्छा, अब इसमें फिर जो कहानी अक्सर सुनते हैं आप लोग और जो पढ़ते हैं कि साइमन कमीशन का जो है वो पूरे इंडिया में क्या हुआ, इसका अपोज हुआ, ठीक है। साइमन कमीशन का सभी ने अपोज किया कुछ को छोड़कर, और उसकी वजह क्या बताई जाती है कि वाई द द ऑल द पॉलिटिकल और यू कैन से ऑल द पॉलिटिकल ऑल द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज अपोज द साइमन कमीशन, क्योंकि जो द स्टेटमेंट विच इज गिवन बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, जो उन्होंने कहा था वो ये कहा था कि इसमें साइमन कमीशन में सारे के सारे जो हैं वो आपके क्या है, ब्रिटिशर्स हैं, इसमें कोई भी एक इंडियन मेंबर को नहीं रखा गया है, ठीक है। ये उनका लॉजिक था देने का, और यही एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो उसको लिख लो, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, पॉइंट बना के लिखना, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज अपोज द साइमन कमीशन, अपोज द साइमन कमीशन बिकॉज दिस कमीशन डिड नॉट हैव एनी इंडियन मेंबर, बिकॉज दिस कमीशन डिड नॉट हैव एनी इंडियन मेंबर, ठीक है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट था कांग्रेस पार्टी का, जो कहा जाता है डिड नॉट हैव एनी इंडियन मेंबर, और यही आपको टिक भी करके आना है, डिड नॉट हैव एनी इंडियन मेंबर, ठीक। और एक और पॉइंट लिखिए, अगेंस्ट द साइमन कमीशन, अगेंस्ट नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखिएगा, अगेंस्ट द साइमन कमीशन कंप्लीट स्ट्राइक यानी कि हड़ताल जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, कंप्लीट स्ट्राइक हैज बीन कॉल्ड, बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, हैज बीन कॉल्ड बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि 95% या 96% जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, जैसे कांग्रेस पार्टी हो गई, मुस्लिम लीग हो गई, डिप्रेस क्लास, बहुत सारी अलग अलग पार्टियां थी, उन सब ने जो है, डिप्रेस सोसाइटी करके एक पार्टी थी आपकी, उन सब ने इसका अपोज किया था, ठीक है। तो ये आपको एक रेटिफिकेशन करना है। लेकिन अब एक ट्रिकी क्वेश्चन क्या आता है कि वो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने साइमन कमीशन का अपोज नहीं किया। भाई सब जगह तो अपोज कर रहे थे, फिर कुछ ऐसे लोग भी थे जो साइमन कमीशन का अपोज नहीं कर रहे थे, तो लिख लीजिए जस्टिस पार्टी, अगला पॉइंट में आके लिखिएगा जस्टिस पार्टी, ठीक है। ये लिख देना ब्रैकेट में मद्रास, ये मद्रास की एक पार्टी थी, जस्टिस पार्टी। देन एक और पार्टी लिखो, यूनियनिस्ट पार्टी, UNI NIST, यूनियनिस्ट पार्टी, ठीक है। एंड ये पंजाब की एक पार्टी थी आपकी, कह सकते हो लोकल पार्टी जैसे आप पार्टी हो गई, यूनियनिस्ट पार्टी। और एक थर्ड लिखो, डिप्रेस क्लास मिशन, सॉरी डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, थर्ड आपकी लिखिएगा डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, ये आपकी थर्ड पॉलिटिकल पार्टी हो गई, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। शो शो वॉट यू कैन से पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स द साइमन कमीशन, शो पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स द साइमन कमीशन, ठीक है, टूवर्ड्स द साइमन कमीशन। इन्होंने पॉजिटिव एटीट्यूड रखा कि नहीं ठीक है, साइमन कमीशन आ रहा है तो हमको उनसे बात करनी चाहिए, हमको अगर वो कुछ रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, कुछ लॉ चेंज करना चाहते हैं, अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो वी हैव टू टॉक इट, ठीक है, हमको उनसे बात करनी चाहिए। खैर, तो साइमन कमीशन जैसे मैंने कल बताया था कि साइमन कमीशन 1928 में आपका आया, और 28 से लेकर आपका 1930 तक, यानी कि मोटा मोटा मान के चलो कि 3 सालों तक या 2 सालों तक ये साइमन कमीशन चुपचाप अपना काम करता रहा। दूसरी तरफ पूरे भारत में भी इसका क्या होता रहा, अपोज होता रहा, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये रियल पिक्चर उस समय की, गो बैक साइमन के नारे हर जगह लगते रहे, ठीक है। और साइमन कमीशन भी अपना काम करता रहा। तो फाइनली एक पॉइंट बना के लिख लो, ऑन 27th
1930, ये डेट याद रखना, एग्जाम में पूछते हैं, ऑन 27 मई 1930, 1930, 1930, साइमन कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, ठीक है। तो 27 मई 1930 को साइमन कमीशन की अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी गई, और उसी कहते हैं उसी दिन इसको पब्लिश भी कर दिया गया था कि साइमन कमीशन ने क्या मतलब रिकमेंडेशंस दी, किसके बारे में, इंडियंस के बारे में, क्या यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वो चीजें, ठीक है। तो ये एग्जाम में आजकल पूछने लगे हैं कि व्हाट आर द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ द साइमन कमीशन। तो एक अगला पैराग्राफ से लिखो, एक छोटी सी हेडिंग डाल के, द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ द साइमन कमीशन वर, मेन रिकमेंडेशंस ऑफ द साइमन कमीशन, मेन रिकमेंडेशंस ऑफ द साइमन कमीशन वर, देखो भाई क्या रिकमेंडेशंस थी इनकी, और ये आपको रेटाफिकेशन करना पड़ेगा। इसमें लिखिए, पहला जो उन्होंने बोला, गिव मोर फ्रीडम टू प्रोविंसेस, गिव मोर, ये पहली रिकमेंडेशन थी इनकी, गिव मोर फ्रीडम टू प्रोविंसेस, ठीक है, गिव मोर फ्रीडम टू प्रोविंसेस, गिव मोर फ्रीडम टू प्रोविंसेस, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रोविंसेस को क्या मिले, आपकी फ्रीडम मिले, एक तो ये बात थी। दूसरा लिखिएगा, सेकंड आपका, गिव मोर पावर्स, एक बात और उन्होंने बोली, सेकंड लिखिएगा, गिव मोर पावर्स टू टू वॉइसरॉय, गिव मोर पावर्स टू वॉइसरॉय, गिव मोर पावर टू वॉइसरॉय, एंड गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेस। 11 तो समय हमारे यहाँ 11 प्रोविंसेस थे, सबके गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है। गिव मोर पावर टू वॉइस रॉय, एंड गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेस, ये इन्होंने सेकंड रिकमेंडेशन थी, गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेस, ठीक। फिर थर्ड रिकमेंडेशन देखिए क्या थी, थर्ड रिकमेंडेशन लिखिएगा, एटलीस्ट, ऐसे लिखो, एटलीस्ट 10 to 15% इंडियंस, एटलीस्ट 10 to 15% इंडियंस शुड गेट वोटिंग राइट, तो अभी आप देखिए, आज के हमारे आजाद भारत में आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, पढ़े लिखे हो, नहीं हो पढ़े लिखे, कितनी भी हायर एजुकेशन वाले हो, तो एक रिक्शे वाले का या एक बेचारे मजदूर का भी वही एक वोट की पावर होती है जो एक एमपी की वोट की पावर होती है, एक इंजीनियर की या डॉक्टर की, ठीक है। ये अभी तो हम लोग इतने सालों से वोटिंग का एंजॉयमेंट ले रहे हैं, लेकिन ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि ब्रिटिशर्स ने 1930 में जाके ये एक्सेप्ट किया कि चलो ऐसा करते हैं, 10 से 15% इंडियंस को वोटिंग राइट दे देते हैं। इसके आगे मैं लिखा नहीं रहा हूँ, उसमें डिटेल में ये लिखा हुआ था कि जो ये 10 से 15% हम वोटिंग राइट देंगे इंडियंस को, वो इंडियंस होंगे जो कि लिटरेट होंगे, यानी कि पढ़े लिखे होंगे, एटलीस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए तभी वोट दे सकते। देखो ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि वोटिंग राइट जो होता है एक बहुत ही प्रेशियस राइट होता है, और वोटिंग राइट्स उन्हीं को मिलना चाहिए जो क्या हो, इतना कैपेबल हो कि वो किस कैंडिडेट को चुने ऑन द बेसिस ऑफ देयर व्हाट, देयर कैपेबिलिटीज, और उनका फ्यूचरिस्टिक क्या हो सकता है, उनके प्लान्स क्या है। जैसे आपने देखा होगा कभी, अगर आप अमेरिका के इलेक्शंस देखो तो वहां पे दो ही कैंडिडेट होते हैं हमेशा, और आपने देखा होगा कि अमेरिका के इलेक्शन से पहले दोनों जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके बीच में क्या होती है, डिबेट होती है, पब्लिकली डिबेट करते हैं, 1-to-1 की डिबेट होती है, और सब अपनी तैयारी करके आते हैं। हमारे यहाँ कभी आपने देखा डिबेट होते हुए, मैं उसकी डिबेट की बात नहीं कर रहा हूँ जो न्यूज चैनल में होती है, वो तो एंटरटेनमेंट करते हैं लोग, वो डिबेट नहीं करते, वो तो और अलग किस्म का एंटरटेनमेंट चल रहा होता है उनका। और हमारे यहाँ भी आज भी ये एक बहुत अजीब सी बात है कि हमारे यहाँ अगर 100% जो हमारा पॉपुलेशन है, आज तक लोकसभा में कभी भी जो वोटिंग है 70% से ऊपर नहीं गई, ध्यान रखना, हमेशा 60% और 70% के बीच में ही हमारी वोटिंग परसेंटेज जाती है, यानी कि
आप कह सकते हो कि 20 to 30% लोग आज भी सिंस 1950 अपने घर पे ही बैठे होते हैं, ये वोट देने नहीं जाते। और कई बार तो बहुत वर्स वोटिंग भी जाती है, कई बार 52% 55% तक भी वोट मैंने देखा है गए हैं स्टेट असेंबलीज के। यानी कि आप सोचो 40-45% लोग घर से निकलते ही नहीं है वोट देने के लिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं। जैसे ये शायद आप लोगों को पता हो, नहीं पता तो ये सुन लो, आपका ये यूरोपियन कंट्रीज में कई ऐसी कंट्रीज हैं जैसे स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, और आपका ब्रिटेन तो नहीं है, लेकिन कई ऐसी कंट्रीज हैं इधर की, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जहां पर कोई भी जो बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो लड़के और लड़कियों की मैरिजेबल एज जो है या तो डिक्रीज या इंक्रीज करनी है, ऐसा कोई बिल आया वहां के हाउस में, तो वहां ये रूल है कि जब भी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट रूल आएगा जिसे पूरी सोसाइटी पे असर पड़ सकता है, तो वहां की पार्लियामेंट तो उसको पास करेगी करेगी, लेकिन ये भी मैंडेटरी है कि वहां की टोटल पॉपुलेशन का 51% पॉपुलेशन भी उस बिल के यस में बोले। अगर वो नहीं बोलती है तो बिल कभी पास नहीं होता। और हमारे यहाँ देख लो, हमारे यहाँ कोई भी बिल हो, चाहे ऑर्डिनरी बिल हो, चाहे मनी बिल हो, चाहे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ये एक्सक्लूसिव राइट किसको दे दिया है? पार्लियामेंट को दे दिया। ये हमको भी कोई राइट होता है आयुषी कि जब वोटिंग किसी बहुत इंपॉर्टेंट बिल पे होती है तो हम लोग का, हम कॉमन मैन का भी उसमें पार्टिसिपेशन होता है किसी तरीके से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? कुछ सुना है कभी? नो सर, अंदाजा नहीं होता। अरुण कुछ आप बता सकते हो, कुछ अंदाजा? नहीं। देखो होता है, हमारा हमारा कैसे पार्टिसिपेशन होता है, जब भी कोई बिल पार्लियामेंट हाउस में जाता है लोकसभा या राज्यसभा में, तो आपको ध्यान होगा पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है, और पार्लियामेंट्री कमेटी क्या करती है, उस बिल के जो सारे के सारे वो होते हैं कंटेंट्स होते हैं, वो अखबार में पब्लिश करती है कि भाई एक बिल ऐसा आया है पर्टिकुलर, उसमें हम लोग आम जनता से राय मांग रहे हैं। वो बात अलग है कि वो आम जनता कभी उसमें अपनी राय भेजती नहीं, लेकिन हमारा भी इनडायरेक्टली प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है कि कॉमन मैन कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द बिल बाय गिविंग हिज सजेशन। वो है पर वो कोई देता ही नहीं है। अच्छा तो एक तो ये हो गया, तीसरा आपकी सिर्फ 10 से 15% जो इंडियंस हैं उनको क्या मिले, वोटिंग राइट मिले। अच्छा फिर उसके बाद लिखिए स्पेशल प्रोविजन फॉर मुस्लिम्स, ये उनकी चौथी आप मान सकते हो साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस थी, स्पेशल प्रोविजन फॉर मुस्लिम्स इन दी प्रोविंशियल असेंबलीज, इन दी प्रोविंशियल असेंबलीज, इन दी प्रोविंशियल असेंबलीज। ठीक है, देखो ये बात साइमन कमीशन को भी पता था कि मुस्लिम्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो पॉलिटिक्स हो या सोशल में कह सकते हो कि गवर्नमेंट जॉब्स हो, ब्रिटिश के टाइम से ही बहुत कम था, तो उन्होंने बोला कि नहीं मुसलमानों को भी एक खास रिप्रेजेंटेशन हाउस के अंदर मिलना चाहिए। फिर अगला रिकमेंडेशन लिखो नेक्स्ट आपका, मेरे ख्याल से फिफ्थ होगा शायद, फिफ्थ है कि सिक्स्थ है? फोर्थ तो लिखा दिया ना मैंने, चार, फिफ्थ फिफ्थ है। फिफ्थ लिखो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन, स्पेशल फिफ्थ रिकमेंडेशन क्या थी, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, या ऐसे लिख लो प्रिंसेस, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसेस इन प्रोविंसेस या प्रोविंशियल असेंबली, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसेस इन प्रोविंशियल असेंबलीज। जो सो कॉल्ड उस समय के बचे खुचे राजा महाराजा थे, नवाब थे, साइमन कमीशन ने बोला कि इनका भी प्रोविंशियल असेंबलीज में एक खास रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखिएगा, अगला लिखिए मोर इंडियंस शुड रिक्रूट इन ब्रिटिश आर्मी, मोर इंडियन रिक्रूट, या आप अपॉइंट लिख सकते हो या लिख लो रिक्रूट इन ब्रिटिश आर्मी, इन ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, तो ये आपका हो गया साइमन कमीशन, तो ये बेचारे ने अपना काम काज किया और अपनी रिपोर्ट सबमिट करके वापस अपने चले गए। ठीक है, अब साइमन कमीशन को हम लोग क्यों इतना वेटेज देते हैं, एक तो ये गो बैक साइमन और ये सब जो चीजें अलग थी, लेकिन जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना बाद में चल के, उसमें कहते हैं कि काफी जो रिकमेंडेशंस थी साइमन कमीशन की वो अडॉप्ट की गई थी। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, आज का जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, हम जानते हैं कि 60-70% जो आर्टिकल्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिए गए।
यानी कि आप ये कह सकते हैं कि साइमन कमीशन जो था उसने जो भी हो अपना एक काम किया, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, वो 1935 के एक्ट में अडॉप्ट की गई, और फिर वही 1935 एक्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे आज के प्रेजेंट के इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो आप कह सकते हो कि हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस जो है वो साइमन कमीशन के रिकमेंडेशंस पे है, ठीक है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला लिखिएगा नेहरू रिपोर्ट, अगला लिखिए नेहरू रिपोर्ट। हाँ बोलिए। सर, इतना बड़ा जो अपोजिशन था, इतना बड़ा? जो अपोजिशन था इंडिया हाँ से हाँ जो साइमन को, कि बस हाँ एक ही वजह से नहीं होगा, तो और कुछ भी वजह हो सकता है, सिर्फ इंक्लूड ना किए गए मेंबर्स को तो इतना बड़ा मोमेंट तो... नहीं देखो, नहीं, एक मिनट, आपका क्वेश्चन क्या है कि साइमन कमीशन जब यहाँ आया, इतना बड़ा हमारा अपोजिशन था इंडिया का, तो हर लगभग लगभग सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसका अपोज कर रही थी, सबकी अपनी अलग अलग वजह थी, तो उसमें आप क्या कहना चाह रहे हो, मतलब क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हो कि इतना बड़ा अपोज सर, होने यानी से? उसका होने का रीजन बस इंडियंस को मेंबर्स को ना लेने के लिए, यही वजह नहीं था नहीं सर, या और नहीं कुछ नहीं था? नहीं और भी था, और भी था, बहुत कहते हैं कि बहुत इन डेप्थ में जाके था कि ये जो साइमन कमीशन था इसको तो बहुत डिटेल में अगर मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल हो जाएगा, फिर अभी नहीं पढ़ा रहा मैं, उसका प्रीलिम से कोई इतना यूज नहीं है, ठीक है, जी सर, जी है सर, बहुत बहुत सारा था। लेकिन हम जो एनसीईआरटी में पढ़ते हैं और जो अक्सर आपके यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं उसमें यही एक लाइन में पूछते हैं कि साइमन कमीशन का अपोज करने का एक मेन वजह क्या थी आपकी, ठीक है, लेकिन इसके पीछे बहुत सी वजह थी आपकी। अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं। कई, अगर मैं एक वजह बताऊं तो आपकी क्या है कि ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी थी और लेबर पार्टी थी, इसको सुन लो, अब जितना आपने बोली दिया तो सुन लो इसको, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी थी, ठीक है, उस समय जो वहां की सरकार थी 1927 में वो कंजर्वेटिव पार्टी थी, ठीक, लेबर पार्टी नहीं थी। दूसरी तरफ जो लेबर पार्टी के जो पॉलिटिशियंस थे वो उनका शुरू से एक एटीट्यूड था कि इंडिया को जितनी जल्दी हो सके हमको आजाद करना है, या आप कह सकते हो कि लेबर पार्टी के जो मेंबर थे वो बहुत सिंपैथी रखा करते थे इंडिया के साथ। तो जब ये साइमन कमीशन को भेजा गया जो कि पूरी तरीके से क्या थी आपकी कंजर्वेटिव पार्टी की भेजी हुई एक आपका कमीशन था, तो कई हिस्टोरियंस ये लिखते हैं कि हमने इसलिए भी इसका अपोज किया स्ट्रांगली कि इसमें जो लेबर पार्टी के जो 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 थ्योरी थी या जो लेबर पार्टी का आपका वो था जो कॉन्सेप्ट था वो इन्होंने अडॉप्ट नहीं किया था, ठीक है। जबकि एक मजेदार बात ये है कि कल मैंने आप लोगों को 7 मेंबर लिखाए थे, 7 ही लिखाए थे ना कल, जॉन साइमन, बॉथम, स्टॉक्स, लीन, कैडमैन, एटली, हॉट शॉट, ये लिखाए थे कल पिछले क्लास, पिछले यस लेक्चर सर, में, है ना। इसमें जो लास्ट के दो हैं आपके एटली और आपके हॉट शॉन, ये दोनों लेबर पार्टी को बिलोंग करते थे, दोनों लेबर पार्टी के थे। उसके बाद भी हम इसका अपोज इसलिए कर रहे थे कि इसमें ज्यादा जो डोमिनेंसी थी, जो हम इंडियंस या हम पॉलिटिकल पार्टी अपोज कर रहे थे कि इसमें ज्यादा जो डोमिनेंसी थी वो कंजर्वेटिव पार्टी की थी, ना कि लेबर पार्टी की, ठीक है। अरुण, ठीक है, समझ में आ रहा, चलो आगे बढ़ते हम लोग। आशु आपको समझ में आया जो अभी डिस्कस किया मैंने, जो अभी अरुण क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्यों, क्या एक यही वजह थी या और कोई वजह थी कि हमने उसका अपोज किया, ठीक यस सर। है, चलो खैर आगे बढ़ते। असल में देखो हिस्ट्री ना, अगर मैं पढ़ाने बैठूँ तो इतना इन डेप्थ चला जाऊंगा फिर वो उसका कोई फायदा नहीं, मैं बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ जो यूपीएससी में पैटर्न पूछा जाता है, वरना हिस्ट्री तो कभी खत्म ही नहीं होती। अच्छा खैर, फिर तो कहानियां चलती रहती हैं, एक से एक कहानी चलती है। अच्छा जैसे अभी अभी आर्टिकल में आप लोग की तैयार कर रहा था अखबार के 2 दिन के, जो क्या कहते हैं आपका चाइना और वो का जो गालवान वैली का आप लोगों ने दोनों ने सुना होगा, सिचुएशन अभी भी वैसी है जैसे पहली थी, कोई कोई खास सिचुएशन में चेंज नहीं आया है और चाइना ने अभी भी हमारे काफी पॉइंट्स पे क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है, ठीक है, वो अभी अभी तक उसने स्टेप बैक नहीं किया है, उल्टा हमारे मुकाबले वो ज्यादा तेजी से क्या कर रहा है उस पे रोड्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वो ज्यादा तेजी से बना रहे हैं। चलो खैर अब आते हैं हम लोग किस पे, नेहरू रिपोर्ट पर, ठीक। तो नेहरू रिपोर्ट कहाँ से आई, क्यों आई, पहले इसको समझ लेते हैं। तो हुआ क्या कि आपके
जो साइमन कमीशन था जब यहाँ पर आया, और जैसे मैंने बताया कि उसने अपनी जो फाइनल रिपोर्ट है फेब 3rd 1928 में सबमिट कर दी, और हम लोग उसका अपोज करते रहे आपका, नहीं सॉरी, रिपोर्ट कब सबमिट की थी मैंने, डेट क्या लिखाई थी, 27 मई 1930 को सबमिट कर दी। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब हम इसका अपोज कर रहे थे तो उस समय के आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड बर्किन हेड। ठीक है, लॉर्ड बर्किन हेड ने क्या किया कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज साइमन कमीशन का अपोज कर रही थी उनको चैलेंज किया कि एक तो हम तुम्हारी भलाई के लिए एक कमीशन भेज रहे हैं, वो यहाँ पे तुमसे बात करना चाह रहा है, वो न्यूट्रल होकर बात करना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि तुम लोग क्या क्या चेंजेस चाहते हो अपने उसमें, क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या क्या मतलब जो सो कॉल्ड जो भी हमने आपको आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है उसमें आपको और क्या क्या राइट चाहिए, ये सारी बातें वो आपसे करना चाह रहा है और आप उसका अपोज कर रहे हैं। तो लॉर्ड बर्किन हेड ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बोला कि अगर तुम इतने ही अपने आप को लिटरेट समझते हो, बहुत ही ज्यादा होशियार समझते हो, तो ऐसा करो खुद का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाओ जो कि क्या कहते हैं ये साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन से या उनसे भी जरा अच्छा बने, और जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हो एग्री करती हो, ऐसा एक मुझे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाओ तो मैं आगे इसके बारे में सोचूंगा। तो इस चैलेंज को कांग्रेस पार्टी ने एक्सेप्ट किया और क्या बनाई, एक आपकी कमेटी बनाई जिसके चेयरमैन जो बनाए गए वो आपके कौन बनाए गए, ये मोतीलाल नेहरू। ठीक है, और जो इन्होंने रिपोर्ट दी ब्रिटिशर्स को यानी कि स्पेशली लॉर्ड बर्किन हेड को, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, नेहरू रिपोर्ट नाम देते हैं। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, तो इसमें एक लाइन में लिखो पहला पॉइंट बना के लिखना क्योंकि फिर आपको याद रहेगा, एक पहला पॉइंट बना के लिखिएगा, सॉरी एक पहला पॉइंट बना के लिखिए यहां से, लॉर्ड लॉर्ड बर्किन हेड, BUR बर्किन, लॉर्ड बर्किन हेड, लॉर्ड बर्किन हेड चैलेंज्ड इंडियंस, या लिख लो चैलेंज्ड कांग्रेस पार्टी, चैलेंज्ड कांग्रेस पार्टी, या लिख दो चैलेंज इंडियंस टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन, टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज एक्सेप्टेड या एक्सेप्ट एक्सेप्टेबल टू ऑल, विच वॉज एक्सेप्टेबल टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, ये एक लाइन लिख दो, विच वॉज एक्सेप्टेबल टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसको एक्सेप्ट करते हो, एक्सेप्टेबल टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो ये आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि नेहरू रिपोर्ट या नेहरू रिपोर्ट बनने का क्या रीजन था, तो नीचे आप एक आंसर में लिखा होगा ऑप्शन में कि ड्यू टू द चैलेंज ऑफ द लॉर्ड बर्किन हेड, तो ये आप ध्यान में रखें। अब दूसरा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है क्या, इसका कंपोजिशन, तो एक छोटी लाइन डालना, कंपोजिशन ऑफ नेहरू कमेटी या नेहरू रिपोर्ट ऐसे लिख दो, कंपोजिशन ऑफ नेहरू कमेटी, कंपोजिशन ऑफ नेहरू कमेटी, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं लोग, कंपोजिशन ऑफ नेहरू कमेटी। तो इसमें लिखते जाइएगा, सबसे पहले लिखिए मोतीलाल नेहरू, ये भी आपको याद करना पड़ेगा भाई क्योंकि ये भी रट्टाफिकेशन पूछने लगे हैं, मोती लाल नेहरू, सबसे पहले लिखिए मोतीलाल नेहरू, इसके आगे लिख दीजिए प्रेसिडेंट, भाई इस कमेटी के क्या थे, आपके प्रेसिडेंट थे, और किस पार्टी को बिलोंग करते थे, कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते थे। ठीक है आयुषी, समझ में आ रहा है, देन उसके बाद दूसरा नाम लिखिए तेज सर बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, ये आपके लिबरल पार्टी के थे, ये आपके हो गए लिबरल पार्टी। उसके बाद अली इमाम, अली अली इमाम, अली इमाम एंड शोएब, SUHAIB शोएब। ठीक है, ये आपके किस पार्टी के हो गए, मुस्लिम लीग के। तो देखो कांग्रेस पार्टी बहुत समझदार थी, उसने जानबूझ के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर को ले रखा था कि कोई पंगा ही ना हो। फिर लिखिए MS आने एंड MR जयकर, MR JAY, MR जयकर, ये आपके हिंदू महासभा के थे। ये मैं आप लोग को इसलिए पॉलिटिकल पार्टी लिखा रहा हूँ कि कई बार एग्जाम में पॉलिटिकल पार्टी भी पूछने लगे हैं आपके एग्जाम में, हिंदू महासभा। ठीक
ठीक है। उसके बाद मंगल सिंह ये लिखिए सिख, ठीक है। उसके बाद आपके एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस, दोबारा से आपके कांग्रेस पार्टी, और आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये आपके कौन थे? कांग्रेस पार्टी, ठीक है। लिख दिया आयशी अरुण, ठीक। तो यस ये जो आपका है, ये आपको थोड़ा सा रटाफिकेशन करना पड़ेगा कि कौन कौन थे या कौन कौन नहीं थे, ठीक है। सर, अच्छा, कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस कौन से पार्टी? पार्टी, कांग्रेस पार्टी अभी कहाँ अलग होंगे, तो हम तो 1930 में चल रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी तो सॉरी 1928 में चल रहे हैं नेहरू रिपोर्ट, तो कांग्रेस पार्टी आपकी होगी, ठीक है। तो अब जी लॉजिक क्या है कि इसमें एक और अगले पैराग्राफ से एक और पॉइंट बना के लिखना, दिस कमेटी ऑल्सो सपोर्टेड बाय, दिस कमेटी जो ये आपके जिसके मोतीलाल नेहरू चेयरमैन है, दिस कमेटी ऑल्सो सपोर्टेड बाय 29 पॉलिटिकल पार्टीज, सपोर्टेड बाय 29 पॉलिटिकल पार्टीज। उस समय जो भी आपकी रही होंगी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, सबने मिलके जो है इसको सपोर्ट किया था। तो ये क्वेश्चन भी आपका एमसीक्यू में आ जाता है कि नेहरू कमेटी को या नेहरू रिपोर्ट को कितनी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती थी, और टिकर किया ना 29, ठीक। अब यहां से जो है अगला पॉइंट बना के लिखिएगा, नेहरू कमेटी प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट, नेहरू कमेटी प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट ऑन 10th अगस्त, प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट ऑन 10th अगस्त 1928। ये डेट याद रखना आप लोग, 10th अगस्त 1928, 1928, ठीक है। अब लिखिए अगला, सम मेन प्रोविजंस जो कि आपके एग्जाम में आता है। अब यहां से देखो थोड़ा सा, ये आपके ध्यान रखना, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में भी ये जो मैं लिखा रहा हूँ काम आ जाएंगे, और कभी डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा उसमें भी ये काम आ जाएंगे आपके, क्योंकि दोनों के लिए डाटा हो जाता है आपका। अच्छा, सम मेन प्रोविजंस ऑफ दिस रिपोर्ट वर, देखो क्या क्या थे, सम मेन प्रोविजंस ऑफ दिस रिपोर्ट वर, और आपको इसको पता चलेगा कि जो ये नेहरू रिपोर्ट के जो ये मेंबर्स हैं कितने इंटेलेक्चुअल्स थे, कितना बेहतरीन तरीके से उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई थी, क्योंकि इसमें जो बातें मैं बताने वाला हूँ वो लगभग लगभग आज के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो पहला लिखिए, डिमांडेड, सबसे पहला इन्होंने रखा था, डिमांडेड ऑल द फंडामेंटल राइट्स विच आर प्रेजेंट टूडे, डिमांडेड ऑल द फंडामेंटल राइट्स विच आर प्रेजेंट टूडे। कितनी बड़ी बात है, इन्होंने इस बात को समझ लिया था कि फंडामेंटल राइट्स वाली चीज होनी चाहिए, और सारे के सारे जो आज हमारे 12 से लेकर 35 के बीच में हैं, सब इन्होंने डिमांड कर दी कि भाई ये हम सब चाहते हैं कि हमको मिले, ठीक है। सेकेंड आपका लिखिए, सेकेंड जो इनकी जो इनका कह सकते हो कि रिकमेंडेशन था, डोमिनियन स्टेटस, डीओ डोमिनियन स्टेटस। अब यहां पर डोमिनियन स्टेटस का मतलब अगर लिखना है तो लिख दो ब्रैकेट में सेल्फ गवर्निंग या सेल्फ रूल, इसमें कहीं आजादी की बात नहीं, ध्यान रखना, सेल्फ रूल, यानी कि 1900 आप कह सकते हो कि क्या कहते हैं ये 28 तक भी हमने कभी इंडिपेंडेंस की बात नहीं बोली, ठीक है। 1928 में भी हम इस बात पे अड़े हुए थे कि ठीक है हमको डोमिनियन स्टेटस दे दो, यानी कि सेल्फ रूल दे दो, आप ही हमारे ऊपर रहो, डिफेंस आप संभालो, रेवेन्यू का जो मेजर मेजर रेवेन्यू फाइनेंस है वो आप संभालो, बाकी चीजें हमें दे दो, ठीक। देर उसके लिखिए थर्ड, आपका थर्ड जो तो डिमांड थी, ज्वाइंट इलेक्टोरेट, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ध्यान रखना, ज्वाइंट इलेक्टोरेट। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने
ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, प्रोविजन 1909 ऑनवर्ड से, अभी जब हम लोग मिंटो मॉले रिफॉर्म पढ़ेंगे, 1909 में इन्होंने ब्रिटिशर्स ने एक चेंज किया था, और 1919 में भी ब्रिटिशर्स ने चेंज किया था। क्या चेंज किया था? 1909 के एक्ट में ब्रिटिशर्स ने ये चेंज कर दिया था कि जब भी कोई मुसलमान खड़ा होगा इलेक्शन के लिए तो उसको सिर्फ मुसलमान वोट करेंगे। और 1919 में इन्होंने क्या चेंज और कर दिया कि जब भी कोई सिख खड़ा होगा तो उसको सिर्फ सिख वोट करेंगे, कोई क्रिश्चियन खड़ा होगा तो क्रिश्चियन वोट करेंगे। यानी कि लगातार जो ब्रिटिशर्स थे वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाते जा रहे थे। तो नेहरू रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया ज्वाइंट इलेक्टोरेट, यानी कि अगर कोई मुसलमान खड़ा होगा तो उसको हर कोई वोट कर सकता है, जैसे आज हमारे, मतलब आपको इसको इमेजिन करना है अच्छी तरीके से, तो आज के कॉन्टेक्स्ट में आप देख लीजिए कि कोई भी खड़ा हो किसी भी धर्म का किसी भी जाति का, उसको वोट पाने का अधिकार, यानी कि उसको वोट करने का अधिकार सबका होता है। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे यहाँ आज में अगर हम देखें लोकसभा में तो क्या कर दिया है, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट कर दिया है, जिसमें आपके एससी और एसटी के लिए अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन क्या होती है, रिजर्वेशन होता है, और लेकिन उसको वोटिंग हर कोई करता है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद फोर्थ जो इनकी रिकमेंडेशन थी, फोर्थ लिखिएगा, सेकुलर स्टेट जो आज हमारा है, सेकुलर स्टेट, सेकुलर स्टेट, ठीक है, सेकुलर स्टेट, यानी कि हमारा 70-80% हिंदू पॉपुलेशन होते हुए भी किसी भी हालत में हम ये डिक्लेयर नहीं करेंगे कि भाई हम एक हिंदू राष्ट्र है। ठीक, सेकुलर स्टेट। फिर फिफ्थ आप लिखिएगा जो इनकी रिकमेंडेशन थी, एडल्ट वोटेज, एडल्ट वोटेज या वोटर आई पहले, एडल्ट वोटर्स शॉर्ट में, दो एडल्ट वोटर्स, यानी कि इनका मानना था कि इनके डिमांड थी कांग्रेस पार्टी की या नेहरू रिपोर्ट की, कि जो भी आपके एडल्ट हैं, उस समय 16 साल हुआ करते थे, कि जो भी आपके 16 या 16 से ऊपर के लोग हैं, मेल या फीमेल, सबको वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। ये बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, इतना हम लोग डीप में नहीं आएंगे, लेकिन इसको सुन लो, आपका थोड़ा सा एक लॉजिकल पार्ट डेवलप होगा। जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स 2 साल 11 महीने और 18 दिन में, आप यकीन नहीं करेंगे, लगभग 2 हफ्तों तक ये बहस होती रही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, 2 हफ्ते मतलब 14 दिन तक, बीच बीच में ब्रेक के बाद, कि क्या हम वोटिंग राइट सबको दें, सबको का मतलब नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। बात यहां तक चल रही थी कि हम सिर्फ वोटिंग राइट उन्हीं को दें जो लिटरेट हो, यानी कि जो 10th पास हो या 6th पास हो या 12th पास हो। ठीक है, ये बातें तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हुई थी। ये आप लोग नॉर्मली आपकी किताबों में नहीं होता है कॉम्पिटिशन में, ये हम लोग अपनी लॉ की किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन ये बहस का मुद्दा चल रहा था। लेकिन उसके बाद एट द एंड ये बात तय हुई कि अगर हम इस बेसिस पे करेंगे, क्या ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन करेंगे वोटिंग राइट, तो बहुत से लोग हमारे यहाँ क्या रह जाएंगे, वोटिंग से महरूम रह जाएंगे। जैसे अगर मैं आज की बात करूं, आज हमारा लिटरेसी रेट कितना है, कोई अंदाजा है आप लोगों को, आयशी, एनी आइडिया, परसेंटेज वाइज हमारी 100? सर हाँ, लगभग लगभग 72 है, 72 हाँ 72 या 74 है, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन लिटरेसी का मतलब क्या होता है अरुण, या तो कोई बता दो दोनों में से, डेफिनेशन क्या लिटरेसी की अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो जो अपना नाम लिख सकता है, हाँ, जिनको अपना अपना नाम लिखना आता है। नाम लिखना और पढ़ना आता है। ठीक है, तो आप सोचो हम 2023 में चल रहे हैं, और आज भी हमारे यहाँ अगर आप 10th और 12th का पैमाना लगा दो, पैरामीटर्स लगा दो, आपको वोटर मिलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसमें देखो बहुत डिबेट है। गांव में, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गांव में फार्मर्स जो है वो नहीं पढ़ पाते ज्यादा, फार्मिंग में रहता है, लेकिन उनकी लॉजिक देखो हर चीज को लेकर कितनी अच्छी है। तो कई बार ये भी गलत कहना है कि ये कहना है कि पढ़ा लिखा ही समझदार होता है, भाई जो इलिटरेट है, जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, उनका भी जो लॉजिकल डिमांड है, लॉजिकल जो दिमाग है, वो बहुत ज्यादा डेवलप होता है, ये कहना बेकार ही है वैसे तो। अच्छा खैर, वापस आते हैं हम लोग। अगर ऐसा होता कि पढ़ा लिखा बहुत ही समझदार होता है, तो हमारे यहाँ जो मेट्रो सिटीज में आपकी क्या है, जो सेक्स रेशियो है, यानी कि जो वहां पर क्या होती है, फीमेल फिटिसाइड जो होता है वो इतना होता नहीं, और मेट्रो सिटी में ज्यादा होता है फीमेल फिटिसाइड। अच्छा खैर, फिर अगला लिखिएगा, अगला जो रिकमेंडेशन थी, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, अगला लिखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये कौन सी रिकमेंडेशन होगी इनकी, फिफ्थ या सिक्स्थ? सिक्स्थ होगी ना। जी सर, सिक्स।
इसमें लिखिएगा फिफ्थ पार्लियामेंट्री, तो भेजा। नहीं फिफ्थ तो आपकी वो थी ना एडल्ट वोटर्स, और फोर्थ ओके आपका सर, सेकुलर था, ऐसे करके था, है ना। अच्छा तो आपका लिखिएगा पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये इनकी रिकमेंडेशन थी भाई हमको मिलनी चाहिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच कंसिस्ट लोअर हाउस, बिल्कुल देखो आज के अकॉर्डिंग है, विच कंसिस्ट लोअर हाउस एंड अपर हाउस, विच कंसिस्ट लोअर हाउस एंड अपर हाउस, एंड अपर हाउस। अच्छा अगर आपने ऐसे फ्लो चार्ट बना रखा है तो अच्छी बात है, लोअर हाउस में लिख दो इन्होंने क्या बोला, मैं वो डिटेक्ट नहीं कर रहा हूँ पूरी लाइन। लोअर हाउस में इन्होंने बोला कि 500 क्या हो, मेंबर्स हो, जैसे कि आज हमारे हैं 552, और इसका जो आपका टेन्योर हो वो 5 ईयर्स का हो, जो आज है हमारा, और जो आपका अपर हाउस हो, ठीक है, उनको इन्होंने बोला कि उसमें कितने मेंबर हो, 200 मेंबर हो इन्होंने डिमांड रखी, और उसका जो टेन्योर हो वो आपका क्या हो, 7 ईयर्स। बस यहाँ पे एक हमें थोड़ा सा चेंज कर दिया कि 250 कर दिया आज के अकॉर्डिंग, यानी कि राज्यसभा का, और जैसे मैंने आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था कि हाउस जो होता है अपर हाउस यानी कि राज्यसभा, वो क्या होता है, एक परमानेंट हाउस होता है, उसके मेंबर रिटायर होते हैं, ठीक है। तो ये 7 ईयर्स की जगह आज हमने क्या कर दिया है, हाउस इज अ परमानेंट हाउस बस। तो देखो ना हमारे जो नेहरू रिपोर्ट थी बहुत बढ़िया ये रिपोर्ट बना रहे थे, वो बात मानी नहीं गई अलग बात है। अच्छा फिर लिखिए सेवन थिंग की जो रिकमेंडेशन थी या जो डिमांड थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्टैब्लिशमेंट ऑफ, आप पूरा वर्ड लिखो, स्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, स्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जैसे कि आज हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, जैसे उत्तराखंड की गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र की, राजस्थान की, वैसे स्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ 5 ईयर्स ऑफ टेन्योर, विद ऐसे लिख लो, विद 5 ईयर्स ऑफ टेन्योर, विद 5 ईयर्स ऑफ टेन्योर, जो कि है आज हमारी विद 5 ईयर्स ऑफ टेन्योर, ठीक है। फिर एट डिमांड लिखो एलोकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, जो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और हमने पढ़ा भी था, एलोकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स बिटवीन बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस, बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस, जैसे आज हमारे यहाँ है, किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में है, वैसे इन्होंने वो डिमांड रखी, एलोकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस, सेंटर एंड प्रोविंसेस, ठीक है। फिर आपकी नाइन्थ जो इनकी डिमांड थी, नाइन्थ डिमांड लिखिएगा, नाइन्थ ही है ना, मुझे लग रहा है मैंने एक काउंटिंग ज्यादा कर दी, छह आपकी पार्लियामेंट हो गई, नहीं सर, नाइन्थ, नाइन्थ ही, हाँ। फिर नाइन्थ लिखो आप, अब देखो ये मैं क्यों लिखा रहा हूं, क्वेश्चन कैसे आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन इज नॉट इन द नेहरू रिपोर्ट, वो यूपीएससी हमेशा ऐसा क्वेश्चन देता है, तो आपको ये सारी की सारी थोड़ी है, और सारी की सारी आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है तो आपको याद रहेगी। नाइन्थ आप लिखिएगा रीस्ट्रक्चर ऑफ प्रोविंसेस, रीस्ट्रक्चर ऑफ प्रोविंसेस, जो हमने फिर आजादी के बाद किया भी, रीस्ट्रक्चर ऑफ प्रोविंसेस, जो समय 11 थे ध्यान रखना, रीस्ट्रक्चर ऑफ प्रोविंसेस ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। फिर जैसे आपको पता ही है कि आपका क्या कहते हैं ये आंध्र प्रदेश पहला स्टेट था जो लैंग्वेज के आधार पर बना, फिर उसके बाद बाकी के जल्दी जल्दी स्टेट बनते गए, जैसे आपका तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, आपका गुजरात हो गया, है ना, ये सब जो बने हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बने आपके। हाँ जो आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, जैसे हमारा उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये लैंग्वेज के बेसिस में ना होके ट्राइबल पॉपुलेशन में